नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर। आज का विषय इलेक्ट्रिकल से जुड़े लोगों के लिए है। आज हम एक ऐसे ऐप की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल के फील्ड में ज़्यादा उपयोग है। इसको गूगल प्ले पे स्टोर कर सकते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन। हमने इंस्टॉल करके रखा है। आपको जाना होगा गूगल प्ले में, सर्च करना है इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन। हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए हमारे में ए ओपन करने को बता रहा है। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से फिगर आएंगे। इसके मेन मोटर कन्वर्शन रिज्यूम पिन आउट ये सब अलग अलग फीचर हैं। ये कई पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे। एक पार्ट में बहुत वीडियो लंबा हो सकता है। सबसे पहले हम मोटर की बात करते हैं। इसमें देख सकते हैं हम मोटर का करंट थ्री फेज की देखते हैं। डायरेक्ट करंट भी देख सकते हैं, सिंगल फेज का भी देख सकते हैं, हम थ्री फेज का भी देख सकते हैं। हम थ्री फेज की बात करते हैं तो एक मोटर को उठा रहते हैं। जैसे कोई हमारी वोल्टेज है, वोल्टेज में वोल्टेज डालेंगे 415 किलोवाट ले लेते हैं। इधर से सेलेक्ट करने का किलोवाट ले लेते हैं, 5.5 किलोवाट की मोटर कर देते हैं। पावर फैक्टर 0.8 रखते हैं। इफ़िशेंसी में हम 88% डाल देते हैं। और जस्ट कैलकुलेटन करेंगे हम इसका 10 एम्पियर 10.86 एम्पियर लगभग 11 या 10.5 बोल सकते हैं। इसमें और चीज़ें भी हैं। इसको मोटर का पावर में भी डायरेक्ट करंट है, सिंगल फेज के लिए भी और थ्री फेज के लिए भी। वोल्टेज में थ्री फेज का हम ज़्यादातर यूज करते हैं इंडस्ट्रियल में। 415 डाल दिया। एम्पियर कितना ले रहा है वो मान लीजिए 20 एम्पियर ले रहा है। पावर फैक्टर हम वही रखेंगे 0.8। एफिशिएंसी वही 88 कैलकुलेट करेंगे। ये 10.5 किलोवाट की मोटर होगी। ये आप बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मोटर का वोल्टेज, मोटर का पावर फैक्टर, मोटर की एफिशिएंसी, मोटर का फ्रेम थ्री फेस, फेस टू फेस, सिंगल फेस, ये है। किलोवाट डालिए इधर 5.5 230 50 यह दिखाया कैपेसिटर का। मेन में जाते हैं, इसमें केबल की साइज निकाल सकते हैं आप। थ्री फेस का ले लीजिए, बोल्ट डालिए 430 किलोवाट 5.5 किलोवाट। लेंथ इसमें 100 मीटर का डाल दीजिए। बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट वैल्यू छोड़ देते हैं। कैलकुलेट करिए, कन्वर्जन, पावर कन्वर्जन किलोवाट है 5.5 किलोवाट। कन्वर्जन करिए 5,500 वाट 7.37 केएसपी में ये अलग अलग करके कन्वर्ट करता है। आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं। एसपी करेंगे फिर ये चेंज कर देगा, वाट में निकालेगा। वाट खाली रखेंगे, ये किलोवाट निकाल दिया। बहुत चीज़ें हैं, काफ़ी यूजफुल है ये ऐप। फ्यूज का है, ये फ्यूज का है, फ्यूज के बारे में डिटेल दिया गया है। जितने पिन हैं, अर्थिंग वायरिंग RJ45 ये आप देख सकते हैं। ये उनके पिन के बारे में, फर्स्ट वाला पिन क्या बताता है, दूसरा वाला पिन क्या बताता है, तीसरा वाला पिन क्या बताता है,
फोर्थ वाला 8 पिन का होता है, आप अक्सर यूज किया जाता है कम्युनिकेशन की केबल बोलते हैं इथरनेट की, बहुत कुछ है इसमें। USB का है, किस तरह का USB लगता है, ये चौड़ी पिन वाले, ये चौकोर वाले, एवरीथिंग ओके। फार्मूला, ये दोस्तों जो चाबी का निशान बना है इसको अगर आप ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ आपसे पैसा लेगा, कुछ पे करना पड़ेगा आपको, तब ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, बाकी कुछ फ्री हैं, कुछ फ्री हैं। ये डायग्राम है सिंगल वाइंडिंग का, ये स्टार कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है, सिंगल वाइंडिंग का हाई स्पीड में है, ये डबल स्टार, लो स्पीड, डबल वाइंडिंग, लो स्पीड, ये सिंगल वोल्टेज, लो वाइंडिंग, लो स्पीड, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, डबल वाइंडिंग, लो स्पीड, डबल वाइंडिंग, हाई स्पीड, डबल वोल्टेज, डबल वाइंडिंग, हाई वोल्टेज, ज़्यादातर हाई वोल्टेज इंडस्ट्रियल में यूज होता है। सिंगल पोलैरिटी, सिंगल स्पीड, स्टार, डबल स्टार, डेल्टा, डबल डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, डबल पोलैरिटी, डेल्टा स्टार, हाई स्पीड, डेल्टा स्टार, बहुत कुछ चीज़ें हैं आपके काम के। इंसुलेशन के क्लास, वाई क्लास, क्लास ए, क्लास 105, क्लास ई, क्लास 120, क्लास बी, क्लास 130। क्लास वाई क्लास का मतलब 90 सेल्सियस तक इंसुलेशन झेलने की क्षमता होती है, ज़्यादातर ये हमारा क्लास एस यही यूज होता है, क्लास सी, क्लास आर, क्लास एन, क्लास एच, क्लास एफ, क्लास बी, क्लास ई, ये इंसुलेशन के बारे में डिटेल दिया गया है। ये खोलेंगे तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा। नंबर ऑफ पोल, 4 पोल की मोटर है, हर्चर है, स्लिप फैक्टर, तो इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन बहुत ही गुड ऐप है दोस्तों, इसका यूज आप कर सकते हैं खास करके इलेक्ट्रिकल फील्ड में। एनर्जी कन्वर्सन, नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अब कैपेसिटर से कैपेसिटर की कैपेसिटी इधर निकाल सकते हैं आप, पावर कितना है किलोवाट में या वाट में निकाल कर एफिशिएंसी वोल्टेज डालकर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कैपेसिटर की कैपेसिटी निकल सकती है। ये बहुत ही यूजफुल ऐप है, हो सकता है वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।